सर 10 जनवरी को पठान का ट्रेलर आने वाला है और सुनने में आ रहा है कि सलमान खान का कैमियो का लुक भी देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? जी हाँ, अगर ऐसा देखने को मिल जाता है 10 तारीख को जो ट्रेलर आएगा पठान का, उसमें अगर देखने को मिलता है भाई बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस होगा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला। और फिर मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो जाता है तो यूट्यूब और कई जगहों पर इतने गज़ब की, इवन फेसबुक पर भी रिलीज़ करता है यशराज, हम सभी जानते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब इन दोनों ही जगहों पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ही गज़ब के रिकॉर्ड्स बनाएगा ट्रेलर, मतलब जितने इमेजिन भी नहीं किए होंगे उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बनाएगा ट्रेलर अगर सलमान खान का लुक सच में दिखा दिया जाता है। और समझता हूँ अगर सलमान खान की एंट्री आपको दिखानी है तो फिर वो उनका आइकॉनिक जो म्यूज़िक है, जो हम सुनते आ रहे हैं टाइगर की जो थीम म्यूज़िक है, वो वाल म्यूज़िक के साथ में उनकी एंट्री हो भाई अलग ही हो जाए। मतलब मैं तो कह रहा हूँ आप दिखाओ मत, मतलब लुक दिखाओ मत, आप बस वो पीछे से दिखा दो, म्यूज़िक बजा दो टाइगर का और बस वो पीछे से दिखा दो, जैसे आप लोगों को याद होगा टाइगर जिंदा में वैसे गन उठाते हैं साइड से और वो म्यूज़िक बजता है उनका और वो गन उठाते हुए ऐसे बाहर आते हैं, वो फेस तो बिल्कुल बाहर आते जब गन चलाने लगते तब उनका दिखाया जाता, लेकिन वो उतने में लुक उनका जबरदस्त लो साइड से लुक और वो गन उठाते, ऐसा ही कुछ आप ऐसा ही कुछ दिखा दो ट्रेलर में और म्यूज़िक बजा दो टाइगर का, बस खेल वहीं ख़त्म है, सारा खेल वहीं ख़त्म है, सारे रिकॉर्ड्स उसी में बन जाएंगे। सलमान खान का इतना नाम है, इतना लेवल है, ज़बरदस्त हो जाएगा और उनका लुक वगैरह इतना ज़बरदस्त हो जाने वाला है ना, इस फिल्म के अंदर इतना बेहतरीन होगा, बहुत ही गजब का होगा, बेहतरीन होने वाला, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इस फिल्म को लेकर मेरी पठान के अंदर, क्योंकि सलमान खान का कैमियो होने वाला है इसमें, सलमान खान के कैमियो अपीयरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि हम सभी देख चुके हैं कि भी उन्होंने वेड फिल्म के अंदर भी मतलब कैमियो किया था, वो एक तरह से गाना किया था उन्होंने, है ना, रितेश देशमुख के लिए। उसके पहले अगर आप देखें तो चिरंजीवी की फिल्म में उन्होंने कैमियो किया था, 2-3 सीन थे उनके, ठीक है, वो बाइक वाइक पर आते हैं चिरंजीवी के पास, वो बीच बीच में थोड़ा ट्रेलर के पहले भी, वो टीज़र इंटरवल के पहले भी था, फिर वो थोड़ा सा बाद में था, फिर एंड में था, ऐसे अलग अलग समय पर उनको दिखाया, और भी ऐसा उन्होंने बीच बीच में कैमियो किए। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो कैमियो होने वाला पठान को, उसको लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो अपना ही कैरेक्टर कर रहा है जो टाइगर वो हमेशा से करते आए, वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उनके लुक ज़बरदस्त होंगे इस फिल्म के अंदर, बेहतरीन होगा, तो सलमान खान को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फिल्म पठान।